इस लेसन में हम सीखेंगे मधुबनी पेंटिंग में मोटिव्स कैसे बनाते हैं और इसी मोटिव्स को यूज करके आप मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर या पेंटिंग बना सकते हैं। और इसीलिए मैं 10 के 10 मोटिव्स डिजाइन लेकर आया हूँ। हमेशा एक बात याद रखें कि मधुबनी पेंटिंग बनाने के समय आप एक ही पैटर्न्स, एक ही मोटिव्स यूज ना करें, आप अलग अलग मोटिव यूज करेंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। इसमें मैंने ब्लैक जेल पेन और कलर स्केच पेन यूज किया हूँ, आप चाहे तो कोई भी कलर इसमें यूज कर सकते हैं। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए कि आपको ये लेसन कैसा लगा और आप क्या और सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और मैं उसका लेसन जल्द ही जल्द लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं।